फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और आज हमारे बाड़ बहू देखो कैसे फास्ट एंड फास्ट मिल्किंग कर रहे हैं। और ये बफेलो दूसरे बफेलो के साथ इधर से उधर डिशुम डिशुम चल रही है, क्योंकि ये बंधा हुआ नहीं है ना, तो घूम रहा है इधर से उधर। और बाड़ बहू की तो मिल्किंग तो बहुत लाजवाब है। और इसी तरह से एक एक करके सारे वो फेलोज की मिल्किंग भी हो गई है। और अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा गोबर का ये फिर से भर गया है, और अभी इसको ट्रैक्टर से लेकर जाने वाले कुछ ही दिनों में। और हमारे बाड़ू भाव ने अभी यहाँ पे कुमड़ी अभी पाल रखी है, तो आपको दिखाती हूँ मैं। वो भी बहुत अच्छे से उनके लिए ना उन्होंने घर भी बनवाया है छोटा सा, तो वही पर है। और इसके साथ मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है ना डिशुम। हेलो हेलो करो सबको। ये देख रहे हैं आप कैसे, और इससे ना ये जैसे कि वो कृमि खत बनता है ना, इसी तरह से बहुत अच्छी खाद बनेगी अभी ये। और ये बहुत सारी है। लगता है इसने भी पाउडर लगाई है। हाँ ये डालने क्वालिटी का फ्रेश फ्रेश ताजा दूध का इधर स्टॉल लगा है। अभी यहाँ से कस्टमर आएंगे और इसे पैक करके कैन में या प्लास्टिक के बैग में उनको पैक करके देंगे। तो इसी तरह से आज का ये दूध रेडी हो चुका है। और आपको दिखा दी मैं अभी यहाँ पे कोमड़ी घर फिर देखो कैसे बनाया है उसके लिए, लेकिन इधर का बहुत बास आ रही जी। ये कोमड़ा और इधर ये के साथ ये बकरिया भी घास कूड़े मार जी अंदर तो इसको ना अभी कैडबरी खिलाते थे। और जैसे ही इनको खिलाने जाओ ना, देखो कैसे करते हैं। और जैसे कि बच्चे हमारे पीछे पड़ जाते हैं ना, जो उनकी मन पसंदीदा चीज़ हमारे पास हो तो टूट के पड़ते। तो अभी देखो, और उधर से वो भी कैसे ये कर रहे कि इधर कब आएगी, तो खाने के लिए तड़पड़ा रहे। और मेरे के इधर उधर में जा रही थी, फिर भी वो इधर सामने सामने से आ रहे थे, तो फिर अभी इनको खिला दिया। अच्छे हुआ ये बंधे हुए, नहीं तो ये पूरे अपने के ऊपर आते। तो अभी मैंने इसको
हटा के फिर यहाँ से निकल जाऊंगी, तब जाके थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि अभी सबको खिलाना है थोड़ा थोड़ा, तो वो बफेलोज के अंदर जाना होता है। तो इसके अंदर जाने में मुझे बहुत डर लगता है, साड़ी पहनी हो उस दिन तो मैं नहीं जाती, ड्रेस के ऊपर तो जाती हूँ पर ऐसे नहीं। अभी देखो कैसे आ करते और है हमारे रानी का बेबी है और ये बहुत क्यूट है और बहुत सॉफ्ट भी है और शांत भी है, बिल्कुल भी ऐसे हरकतें नहीं करता जिसे डर लगे किसी को नहीं। तो यहाँ पे रानी जब ऐसे छोटा बच्चा आई थी ना तो सारे कस्टमर उसको देख के भाग जाते थे क्योंकि वो आते ही भौंकना शुरू कर देती। अभी ये नहीं करता कुछ, ये बहुत अच्छा है और सब बच्चे भी इससे मिलने आते, स्कूल से ट्यूशन से वापस आते है ना, तो इससे मिले बिना घर ना जाए। अभी ये बहुत मस्ती करोगे और इसके साथ इसका भाई भी था लेकिन वो बफेलो के बीच में आ गया और क्या बने बनेगा। अभी ये हमारे रानी का बेबी है और इसका हमको नाम रखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका नाम क्या रखे। और ये बहुत गोलू मोलू है, आप देख सकते हो लड़का है लड़की है, ये लड़का है लड़का फिर देखो कैसे टक्कर टक्कर। ओए हेलो, और ये आपस में देखो कैसे खेलते हैं, ऐसे जैसे कि बच्चे बच्चों में खेलते हैं ना, जैसे ये बकरी के बच्चे और ये साथ में खेलते हैं रोज। इसका नाम जरूर बताना, हम लोग कोई रखेंगे। इकड़ बघ ना, हॅलो कर सगळ्यांना, हाय हॅलो, किती मस्ती कर रही आपली माँ के साथ, चिल्ला चिल्ला के आवाज निकल कर। उसका जो भैंस ने एक बच्चे को मार डाला ना, उसका पैर पड़ गया उसके ऊपर। बहुत मस्ती करते, अभी उसका बेबी था ना वो मर गया, तो अभी माँ के साथ ही करते, बार बार क्या आवाज सुन भाग गए। और अभी पूरे बफेलो का मिल्किंग हो गया, ये लास्ट में ये काऊ का भी हो जाएगा अभी, और ये बारूबाव के अलावा किसी को मिल्किंग करने नहीं देती, तो बारूबाव अभी फटाफट से करेगी क्योंकि पैर उठाती बार बार तो फिर सब डर जाते, तो इसीलिए बारूबाव इसकी मिल्किंग कर रहा है। तो आपको नजदीक से दिखाती हूँ उनकी, जैसे गाय धुन काट ली का मतलब एकदम व्हाइट व्हाइट दिख रही है। विचारा फास्ट करना, अभी देखो रानी का बेबी भी कैसे आएगा, लेकिन आ गया वो नैना से मिलने आया है ना नैना।
सॉन्ग पे। और हमारे मासी की चाय भी बन गई, हटेल डाल दो मासी, हटेल हटेल ही डालना बाकी, अभी सब कुछ हो गया है ना। अभी हमारे यहाँ पे वो नए कोमड़ी भी लाए हैं। किसी को फ्रेश फ्रेश अंडे चाहिए तो हमारे मासी को बोलना, भेज देंगे है ना मासी ऑनलाइन। दूध पनीर और बकरी के बेबी भी अभी बड़े हो गए, उनको भी छोटे छोटे लाए थे अभी बड़े हो गए। और अभी ठंड भी थोड़ी थोड़ी कम, और ये इससे इतना बहुत अच्छा लगता है गरम गरम, उसको ऐसे हाथों पे गरम ले लो और फिर लगाओ, बहुत अच्छा लगता है। और अभी ठंड भी है ना, तो ठंड में चाय तो बहुत अच्छी लगती है, वो भी मासी के हाथ की चाय बहुत अच्छी होती है। और सुबह ही काऊ को बहुत अच्छे से नहलाए, इसीलिए देखो कितनी चमक रही ब्लैक एंड व्हाइट है ना, जैसे कि वो भालू के ड्रेसिंग होता है ना वो ब्लैक और व्हाइट में, तो उसी तरह से वो दिख रही भालू की तरह। और अभी अंधेरा भी हो गया, मासी ने लाइट जला दी, तो क्योंकि पहले से अभी थोड़ा अंधेरा धीरे धीरे हो रहा है, अभी दिन बड़ा हो रहा है और रात छोटी, तो इसीलिए अभी। और ये काऊ इतना अच्छे से मिल्किंग नहीं करने दी थी, और मिल्क भी उसका अभी कम हो गया है, तो अभी देखो शाम ढलने को आई और सारे काम फटाफट से अभी खत्म होने को आए। तो इसी तरह से डेयरी फार्म के काम यहाँ के 7 बजे तक निपट जाते, और अभी वहाँ पे दूध का स्टॉल भी लगा दिया है, क्योंकि ग्राहक आते ही उनका मिल्किंग हो जाएगा। और आज माओ भी हमारे साथ में है, तो कृष्णा नहीं आया आज, वो अभी बच्चों के साथ खेलने में बिजी था, क्योंकि अभी आज से उसका स्कूल में गया था, वो फर्स्ट डे था उसका, तो बहुत खुश है वो। लॉकडाउन के बाद वो पहली बार स्कूल गया आज, तो उसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जब वो घर आया ना स्कूल से, तो बस बातें बता रहा था बहुत सारी, जो उसको लग रहा था कि मैं एक ही फटके में सारे आई को सुना दूं। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, फिर मिलते नए नए अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।